से आपको आने का कोई कारण बन गया। मैंने बुलाया, उसने भेजा, उसने कहा आपका मन हुआ, लेकिन अंदर टटोलिएगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इच्छा थी और नारायण की कृपा से वो इच्छा पूरी हुई। उसमें भी ये प्रांगण महाराज श्री सुदामा दास जी की पुण्य से जो उदित हुआ है, जहां कोई भूखा नहीं जाता, जहां जो आता है यहां की पूजा यही है कि जो आया है वो तृप्त होके आवे, कोई जब तप अनुष्ठान नहीं, भोली सेवा है, जो आएगा तृप्त होके जाएगा। और वो सभी यजमान जिन्होंने सहयोग से ये बड़ा अनुष्ठान जागृत हुआ, और आप सभी ब्राह्मण जन जो इसमें सम्मिलित हुए, भगवान के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए मैं कथा के कपाट खोलता हूं। ये जीवन हर पल परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण एक अगला क्षण आता है तो पिछला क्षण खत्म हो जाता है। एक वृक्ष पे छोटी सी कोपल आ रही है और देखते देखते वो बड़ी हो जा रही है, उस पर परिवर्तन हो रहा है, और फिर वो पीली हो जाती है, और फिर एक दिन स्वतः उस वृक्ष से गिर जाती है। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, सुबह उठे तो भोर का सूर्य है, फिर दोपहर का सूर्य है, और फिर वो घटता जा रहा है और संध्या में चला जा रहा है। हर पल यहां परिवर्तन है, लेकिन ये यात्रा है श्रीमद् भागवत जी उस सत्य की यात्रा है जो परिवर्तित नहीं होता। उसकी सबसे पहली पहचान है कि वो परिवर्तित नहीं होता। सत्य वो है जो आज भी वही है, कल भी वही है, और आने वाले हर दिन वो वही रहेगा। जो कभी नहीं बदलता, ये उस सत्य की खोज की यात्रा है। हमें पता है कि एक दिन हम यहां से खाली हाथ जाने वाले हैं, हमें यह निश्चित पता है क्योंकि हमारे पूर्वज भी यहां से चले गए। मुझे इसका निश्चित पता है कि हम यहां से एकदम खाली जाने वाले हैं। और आपको पता हो कि मैं जो अध्ययन कर रहा हूं उस परीक्षा में मुझे निश्चित फेल होना है, मैं पास हो नहीं सकता। तो फिर क्या वो अध्ययन में आपका मन लगेगा? बिल्कुल नहीं। कहीं आपको ये ज्ञान हो जाए कि जिस वाहन से मैं यात्रा कर रहा हूं उस वाहन में मुझे चोट लग सकती है, बड़ी भारी क्षति होना निश्चित है, ऐसा आपको भान हो जाए, उसमें मृत्यु हो सकती है, तो फिर उस वाहन में आप नहीं चढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे। या कोई भी संकल्प आपने जीवन में लिया कि आपको पता चले कि मैं कुंभ जा रहा हूं लेकिन मुझे वह नुकसान होने वाला है, तो आप कुंभ आएंगे? निश्चित नहीं आएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि ये जीवन में मुझे एक दिन जाना है छोड़ के, मुझे अपना धन दौलत वैभव, अपने बीवी बच्चे, अपनी कमाई, अपना झोला माला सब छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी वो क्या बात है कि मेरा मन नहीं हट रहा है। मैं जानता हूं निश्चित कि मुझे जाना है, पर एक क्षण के लिए भी मेरा मन उससे नहीं हट रहा है। तो वो कौन है जो हमारे अंदर से हमें चुरा के ले गया? मैं जानता हूं कि ये सब मेरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसे जुटाने में लगा हूं। तो वो जो हमें इसमें उलझा के रख रहा है, ये उस सत्य की खोज की यात्रा है, ये उस अविनाशी तत्व की खोज की यात्रा है,
कि जो हमें अपने आप तक नहीं आने दे रहा, पहले ही उसने माया का ऐसा जंजाल बनाया कि असत्य होते हुए भी हम उसमें आनंद ले रहे। ये उस सत्य के खोज की यात्रा है, ये दुखों के अंत की सूत्र जानने की यात्रा है। एक दृष्टांत है, एक विद्यार्थी गुरुकुल से निकला, एक वन में जा रहा है, और जब वो वन में जा रहा है तो किसी पगडंडी पे जब वो एक जंगल में निकला अपने गुरुकुल से बाहर, तो उसके पैर में एक कांटा लग गया। अब उसके पैर में जो कांटा लगा, अब वो एक और कोई पैनी सी चीज खोज रहा है, कोई पैना सा कांटा मिल जाए, पैनी सुई मिल जाए, कोई ऐसी पैनी चीज मिल जाए कि मैं अपने पैर में उसे डालूं और जो पहले से कांटा लग गया है उसे निकाल दूं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में होता है और नई नई उसकी नौकरी लग जाए या वो युवा अवस्था में प्रवेश करे, तो उसे लगता है कि अब बड़ी कठिनाई हो रही है, मेरे वस्त्र धुले मिल जाएं, मुझे समय से खाना मिल जाए, मेरी कोई व्यवस्था हो जाए। तो उसे एक समस्या नजर आई, एक कांटा लग गया पैर में। अब उस कांटे को निकालने के लिए वो विद्यार्थी वहां एक पतली सी पैनी सी नुकीली सी कोई चीज खोज रहा है कि ये मेरे हाथ आ जाए तो मैं इसे निकाल दूं और मैं यात्रा कर सकूं, ये कष्ट निदान हो जाए। उस विद्यार्थी को एक कांटा मिल गया, उसने वो कांटा लिया, अपने पैर में डाला और जो पहले से कांटा उसमें लग गया था वो निकाल के फेंक दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कांटा तो निकाल दिया, लेकिन जो हाथ में कांटा आया था उस कांटे को निकालने के लिए उसका क्या किया उसने? जो पैर में कांटा लग गया था उसे निकालने के लिए वो एक पैनी नुकीली जो चीज खोज रहा था कि इस कष्ट से निदान हो जाए, मेरा मुझे कपड़े धुले मिल जाए, सब व्यवस्थित हो जाए, घर की सफाई हो जाए, इसके लिए कोई एक व्यवस्था हो जाए, मेरा एक कष्ट मिट जाए, तो उसने शादी कर ली, कष्ट मिट गया। उधर उस विद्यार्थी को एक कांटा मिल गया, अब वो कांटे से कांटा तो निकाल दिया, लेकिन अब प्रश्न है जो हाथ में कांटा है उसका क्या किया? उसने उस कांटे को भी फेंक दिया। अब वो वैसा हो गया जैसा पहले था, कांटा नहीं लगने से पहले बिल्कुल फ्री, ईश्वर के नजदीक, न कोई कष्ट था और न उसे जो अगर दूसरा कांटा वो रख लेता कि फिर कांटा लग जाएगा तो इससे निकाल दूंगा, तो एक मोह बंध जाता उसके साथ। उसने उस मोह के कारण को भी फेंक दिया और जो कष्ट था उसका निदान किया और उस कांटे को भी फेंक दिया। तो ये दुखों के अंत की, दुखों की खोज की यात्रा है कि कांटे तो लग रहे हैं, कांटे के निदान भी हो रहे हैं, पर निदान को समेट के न रख ले, क्योंकि भंडारण में कभी सुख नहीं है। बादल धरती पर कभी आए नहीं, अपने आप नहीं आए, बादल धरती से बहुत ऊपर हैं और वो धरती पर कभी नहीं आए, अपने आप कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, लेकिन वृक्षों की आर्द्रता, वृक्षों की नमी, धरती की नमी, आर्द्रता उन बादलों को ऊपर होते हुए भी नीचे खींच लाई।